हे गाइस, वेलकम बैक यार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स के। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन स्किन्स के एट्रीब्यूट के ऊपर। आज हम जानेंगे कि गन स्किन्स में डबल डैमेज ज्यादा बेटर होता है या फिर डबल रेट ऑफ फायर, कौन से स्किन ज्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। बट उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ कि जो गन स्किन्स में जो एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलते हैं, डबल डैमेज हम जिसको बोलते हैं, डबल रेट ऑफ फायर, वो एक्चुअल में ना ही डबल डैमेज होता है ना ही तो डबल रेट ऑफ फायर होता है, वो डबल एरो इंक्रीज होता है। और एक एरो रिप्रेजेंट करता है 5% को, यानी कि अब जैसे आप ये स्किन देख रहे हो यहाँ M4A1 की, इसमें आप देखोगे डबल एरो इंक्रीज है रेट ऑफ फायर, जिसे आप डबल रेट ऑफ फायर बोलते हो। तो यानी कि इसका मतलब है इस गन का 10% रेट ऑफ फायर इंक्रीज है। और वहीं पे अगर मैं आपको कोई डैमेज वाली स्किन दिखाऊं, लेट्स से ये मेरे पास एक डैमेज की स्किन है डबल डैमेज वाली, तो इसमें 10% ज्यादा डैमेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से सपोज करो, एक एग्जांपल लो और मान लो कि एक गन है उसका डैमेज 50 है, यानी कि उसका जो बेस डैमेज है वो 50 का है, 50 का है। तो अगर उसकी कोई आप ऐसी स्किन इक्विप करते हो जिसमें डबल डैमेज है, तो यानी कि उसका 10% डैमेज इंक्रीज होगा, यानी उस गन की जो बुलेट का डैमेज जो पहले 50 था पर बुलेट, अब वो 55 पर बुलेट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम किसी ऐसी स्किन की बात करें जिसमें डबल रेट ऑफ फायर हो, तो क्या होगा? डबल रेट ऑफ फायर से आप ऐसे समझो, जैसे सपोज वो गन पहले 5 सेकंड में 50 बुलेट निकाल रही थी, 5 सेकंड में उससे 50 बुलेट फायर हो रही थी उस गन से, और आप उसकी डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन लगाते हो, तो उसके बाद 5 सेकंड में 55 बुलेट्स फायर होंगी, यानी कि 5 बुलेट्स एक्स्ट्रा फायर हो जाएंगी अगर उसका डैमेज रेट ऑफ फायर डबल है, क्योंकि 10% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से ही एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। बट ये गन टू गन वेरी भी करता है कि किसी गन में डबल रेट ऑफ फायर ज़्यादा अच्छा होता है या किसी में डबल डैमेज ज़्यादा अच्छा होता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप बहुत से लोग इन चीज़ों को देख के बेवकूफ़ बन जाते हैं। जैसे मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा है, कुछ रील्स वगैरह आती है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग गन स्किन लेके बैठ जाते हैं। लेट्स से किसी के पास कोबरा MP40 है या किसी के पास मैकेनिकल MP40, और एक एक इमोट दिखाते हैं, एक एक बुलेट फायर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी गन स्किन ज़्यादा बेटर है, जो पहले मार देती है उसको ज़्यादा बेटर बोलते हैं। तो मैं उन बेवकूफ़ों को बताना चाहूँगा कि ये जो तुम टेस्ट करते हो ना, ये किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। अगर वो स्कूल में मैथ उनकी अच्छी रही होती तो उनको पता होता कि जिस तरीके का वो टेस्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डैमेज एट्रीब्यूट का जो असर है वो दिखेगा, रेट ऑफ फायर का असर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एक एक करके वो बुलेट फायर कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस गन का डबल रेट ऑफ फायर होगा उसका तो कुछ असर होगा ही नहीं, और तो और जिस गन से पहले बुलेट फायर हुई है ना, उसको ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अगर आप दो बंदे ऐसे लेके जाते हो ना, मतलब आप गन स्किन सब हटा दो, सिर्फ 2 MP40 लेके जाओ बिना स्किन की, तो जो बंदा पहले फायर करेगा वो जाहिर सी बात है वही पहले जीतेगा, और लास्ट वाले बंदे की थोड़ी सी हेल्थ बच जाएगी एक बुलेट की, वो भी अगली बुलेट में मर जाएगा मतलब। तो ये तो एक बेवकूफ़ी भरा टेस्ट है। तो आज हम इन गन स्किन्स का और इसी एट्रीब्यूट्स का ढंग से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। अब अगर आप किसी डैमेज वाली स्किन को कंपेयर करते हो किसी रेट ऑफ फायर वाली स्किन से, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते, और ना ही आप रेट ऑफ फायर वाली स्किन को डैमेज से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि डैमेज के मामले में तो अभी मेरे सामने जैसे ये वाली M4A1 है, डैमेज के मामले में तो यही जीतेगी, इसका ही डैमेज ज़्यादा आने वाला है। अगर आप पूरी मैगजीन खाली कर देते हो, यानी कि पूरी मैगजीन अगर इसकी खाली कर दो और बाद में डैमेज रिकॉर्ड करो, तो इस M4A1 का ही डैमेज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस रेट ऑफ फायर स्किन, ठीक है। बट अगर आप ये देखो कि कौन सी गन की जो मैगजीन है वो ज़्यादा जल्दी खाली हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है, तो ये वाली M4A1 जल्दी खाली हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट डबल डैमेज ऑफ स्किन, ठीक है। तो आज हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम एक टाइम लिमिट में ये देखेंगे कि कौन सी गन स्किन ज्यादा डैमेज दे रही है, तो ऐसे हम रेट ऑफ फायर भी कंपेयर कर पाएंगे और ऐसे हम डैमेज भी कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम चलेंगे सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में और बेस गन स्किन्स होंगी, यानी कि जो गन स्किन है विदाउट गन स्किन, हम उनके एट्रीब्यूट को टेस्ट करेंगे कि कौन सी गन स्किन का बेस डैमेज कितना है, उसके बाद हम इन्हें स्किन्स के साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जैसे इस गन में एक्यूरेसी माइनस है और इसमें रीलोड स्पीड माइनस है, तो यहाँ पर दोनों गन में थोड़ा थोड़ा अलग चीजें माइनस है, तो हो सकता है हमें रिजल्ट्स में कुछ अंतर देखने को मिले। बट मैं इतनी क्लोज रेंज से फायर करने वाला हूँ कि ये जो एक्यूरेसी माइनस हो रही है इसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, M4A1 की सारी बुलेट्स बंदे को हिट होने वाली है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ऑलरेडी ज्यादा है। और M4A1 के साथ साथ हम बाकी गन स्किन्स का भी टेस्ट करेंगे, जैसे कि डबल रेट ऑफ फायर वाली मेरे पास M14 है और डबल डैमेज वाली M14 भी है, और उसी के साथ मेरे पास एक एक ही डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन है और साथ ही साथ डबल डैमेज। अब ये एक ऐसी गन स्किन्स हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें डबल रेट ऑफ फायर है, सिंगल डैमेज है, और इसमें डबल डैमेज है, सिंगल रेट ऑफ फायर है, दोनों में
एक में मूवमेंट स्पीड माइनस है, एक में मैगजीन माइनस है, तो इसमें एक्यूरेसी का कुछ यहाँ पे सीन नहीं आता है। तो इन दोनों स्किन का भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सी ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले चलते हैं इन गन स्किन्स को सबको डिफॉल्ट पे इक्विप कर देते हैं, ठीक है। और MP40 की बात करें तो यहाँ पे डबल डैमेज वाली स्किन है मेरे पास, और एक ये डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन भी है, बट इसमें एक्यूरेसी माइनस है और इसमें रेंज माइनस है। तो हम इन्हें क्लोज से फायर करेंगे ताकि ना ही रेंज इफेक्ट करे ना ही एक्यूरेसी, और बट इसमें रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज है, तो ये ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हम कंपेयर करेंगे मैकेनिकल MP40 को विंटरलैंड MP40 से। इसमें डबल रेट ऑफ फायर है, इसमें डबल डैमेज है, रेंज का असर पड़ेगा नहीं क्योंकि हम क्लोज से ही फायर करने वाले हैं। तो इसकी भी हम डिफॉल्ट स्किन लगा लेते हैं। और गाइज यहाँ पर हम क्योंकि सिर्फ जो गन स्किन का डैमेज है और उसकी रेट ऑफ फायर है उसको चेक कर रहे हैं, तो अभी हम ये जो बॉट है यहाँ पे इसको आर्मर नहीं पहनाने वाले, इसको वेस्ट हेलमेट नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आर्मर पेनिट्रेशन नहीं चेक कर रहे हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो पहले सारी गन्स में जितने भी अटैचमेंट लगते हैं सबको हम मैक्स करने वाले हैं, मैक्स अटैचमेंट्स के साथ ही टेस्ट करेंगे। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाले ब्लॉक में खड़े हो गए हैं और आप देख सकते हो दोनों गन्स में मैक्स अटैचमेंट है। अब हम दोनों गन का बेस डैमेज चेक करेंगे और साथ ही साथ चेक करेंगे कि वो एक लिमिटेड टाइम में कितना डैमेज दे सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम MP40 का बेस चेक करते हैं, उसके बाद इस MP40 को हम स्किन्स के साथ चेक करेंगे। तो हम बंदे के चेस्ट पे एम करके मारने वाले हैं बिना आर्मर के, क्योंकि हम आर्मर पेनिट्रेशन को चेक नहीं करने वाले। तो सबसे पहले जो MP40 का बेस डैमेज है वो हम चेक करते हैं कितना है। तो MP40 का जो डैमेज है वो 23 आ रहा है चेस्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, यानी कि 23 का डैमेज आया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अब हम MP40 का जो डैमेज है बिना स्किन के वो टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि MP40 का रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल झटके से ये खाली हो जाएगी। तो हम सिर्फ 2 सेकंड का कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रेट ऑफ फायर ज़्यादा अच्छा रहेगा या डैमेज। फिलहाल हम बिना किसी स्किन के टेस्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 2 सेकंड में बिना डैमेज वाली MP40 या बिना स्किन वाली MP40 कितना डैमेज देगी, ठीक है। मैंने जो स्टैट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं और हम 2 सेकंड का ही डैमेज देखेंगे। सो गाइज यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि विदाउट एनी गन स्किन MP40 ने जो इफेक्टिव डैमेज दिया है 2 सेकंड में वो है 598, और जो डैमेज पर सेकंड निकल के आया है यानी कि DPS वो है 322 का। अब इस तरीके के मैं बहुत सारे टेस्ट करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए मैं सारे टेस्ट के बाद लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल दूंगा जिसमें इन सब की समरी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस गन स्किन के लिए डैमेज ज़्यादा बेटर है और किस गन स्किन के लिए रेट ऑफ फायर। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखना। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं UMP के बारे में। विदाउट स्किन UMP है, बॉडी डैमेज आप देख सकते हो 25 का आता है, ठीक है। और इसको मैं स्टैट्स को क्लियर कर देता हूँ, हम देखेंगे कि ये 3 सेकंड में कितना डैमेज करती है एनिमी को। पूरी रिलोड कर लेते हैं मैगजीन को, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर MP40 से थोड़ा कम है, इसीलिए हम 3 सेकंड का टाइम इसमें चेक कर सकते हैं करने के लिए। ये मैंने करा इसको रीसेट। तो अब मैं इसके बॉडी पे कंटिन्यूस शॉट देने वाला हूँ। सो विदाउट गन स्किन UMP का जो डैमेज है बेस डैमेज 25, डैमेज पर सेकंड 261 और इफेक्टिव डैमेज है 750। तो ऑलराइट गाइज अब हम कंपेयर करने वाले हैं AK को और M4A1 को, मतलब इनकी स्किन्स के साथ। दोनों गन्स में मैक्स अटैचमेंट है। विदाउट स्किन हम देखते हैं M4A1 का बॉडी डैमेज कितना है। तो विदाउट गन स्किन, विदाउट एनी गन स्किन, M4A1 का बॉडी डैमेज 29 है। और अब हम चेक करते हैं गाइज विदाउट गन स्किन AK का बॉडी डैमेज कितना है। तो विदाउट गन स्किन AK का बॉडी डैमेज 38 है। और अब हम इसे टाइम के साथ कंपेयर करने वाले हैं कि कितने टाइम में कितना डैमेज देती है, क्योंकि गाइज इन गन्स का रेट ऑफ फायर बहुत कम है एज कम्पेयर टू सब मशीन गन्स। तो हम इनके लिए 5 सेकंड की टाइम लिमिट रखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्टैट्स को क्लियर कर देता हूँ और अब मैं देखूंगा बॉडी पे एम करके कंटिन्यूस 5 सेकंड तक शॉट करूंगा और देखता हूँ कितना डैमेज दे पाएगी, इसका इफेक्टिव डैमेज कितना होगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव डैमेज निकल कर आया है 988 और डैमेज पर सेकंड निकल कर आया है 204। तो गाइस अब हम M4A1 को कंपेयर करने वाले हैं, उससे पहले एक बॉडी डैमेज देख लेते हैं। 29 का बेस इसका बॉडी डैमेज है। अब उसके बाद 5 सेकंड तक M4A1 को भी कंटिन्यूस फायर करेंगे और देखते हैं 5 सेकंड में कितना डैमेज कर पाती है। सो इफेक्टिव डैमेज है गाइस 812 और डैमेज पर सेकंड है 168। और अभी हम गाइज वापस आ गए हैं, आप देख सकते हो मेरे पास दोनों जो स्किन्स हैं वो दोनों रेट ऑफ फायर प्लस वाली स्किन है, हम पास से फायर करने वाले हैं। सबसे पहले इन गन्स का बॉडी डैमेज चेक कर लेते हैं, बेस डैमेज जो कि सेम होने वाला है विदाउट स्किन का, क्योंकि इनमें डैमेज इंक्रीज नहीं है इन दोनों स्किन्स में, बट हाँ इनमें रेट ऑफ फायर इंक्रीज है, तो उसे हम टेस्ट करेंगे अभी। तो भाई UMP का बॉडी डैमेज 25 का, MP40 का बॉडी डैमेज देखते हैं स्टैट क्लियर करके। MP का 23 का बॉडी डैमेज, ठीक है। तो जो डैमेज बिना स्किन के था वैसा ही है, क्योंकि इन स्किन्स में डैमेज इंक्रीज नहीं है रेट ऑफ फायर। अब हम रेट ऑफ फायर को ही चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले स्टैट क्लियर कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये रेट ऑफ फायर वाली स्किन 2 सेकंड में कितना डैमेज पहुंचा सकती है एनिमी को।
सो गाइस डैमेज पर सेकंड और इफेक्टिव डैमेज में काफी ज्यादा चेंज है। डैमेज पर सेकंड हो गया है 368 और इफेक्टिव डैमेज हो गया है 644। अब UMP को ट्राई कर लेते हैं, रेट ऑफ फायर UMP का, ठीक है। UMP को हम 3 सेकंड में टेस्ट करने वाले हैं कि 3 सेकंड तक ये एनिमी को कितना डैमेज देने वाली है। तो यहाँ पे मैंने स्टैट्स क्लियर कर दें, बॉडी डैमेज देने वाला हूँ मैं पूरा। सो गाइज यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा चेंज आपको देखने मिलेगा डैमेज पर सेकंड में, और बात करें अगर इफेक्टिव डैमेज की तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो ऑलराइट गाइज, अब हम टेस्ट करने वाले हैं AR गन्स को। दोनों AR गन्स में मैक्स के अटैचमेंट लगे हुए हैं, तो मैं पहले दोनों का आपको बॉडी डैमेज बेस डैमेज चेक करवा देता हूँ, जो कि नॉर्मल ही रहने वाला है। बट हाँ, ड्रैको AK का थोड़ा सा इंक्रीज दिखने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल डैमेज इंक्रीज यानी कि 5% डैमेज ज़्यादा है। तो ड्रैको AK का बॉडी डैमेज जो बेस डैमेज है वो 40 आ रहा है, क्योंकि इसमें सिंगल डैमेज भी इंक्रीज है डबल रेट ऑफ फायर के साथ साथ। और अब हम M4A1 को टेस्ट करने वाले हैं, जो कि प्योर डबल रेट ऑफ फायर की स्किन है, इसमें कुछ भी डैमेज वैमेज इंक्रीज नहीं है। तो पहले स्टैट्स क्लियर कर देते हैं, तो ये देख सकते हो तो इस M4A1 का भी सेम डैमेज आ रहा है विदाउट स्किन जैसा, 29 का, ठीक है। अब हम इनका रेट ऑफ फायर चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो पहले AK का चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैंने स्टैट्स क्लियर करते हैं। पूरा बॉडी स्पैम मारने वाला, 5 सेकंड का जो डैमेज आएगा उसको हम काउंट करेंगे। अब गाइज इस केस में बॉडी डैमेज तो इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ जो डैमेज पर सेकंड है वो 204 से सीधा 277 इंक्रीज हो गया है, और इफेक्टिव डैमेज 988 से सीधा 1360 चला गया है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अब हम टेस्ट करते हैं गाइज M4A1 का, और क्योंकि हम गन स्किन्स को इतना पास से फायर कर रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट सारी बुलेट्स जो हैं वो हिट होंगी, क्योंकि इतनी पास से फायर करने पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब हम M4A1 को फायर करने वाले हैं, 5 सेकंड का डैमेज हम काउंट करेंगे। सो गाइस रेट ऑफ फायर वाली M4A1 में भी हमें डैमेज पर सेकंड देखने को ज्यादा मिल रहा है, और साथ ही साथ इफेक्टिव डैमेज में भी लगभग 100 के आसपास का चेंज आया है। अभी हम चेक करने वाले हैं गाइस सारी स्किन्स जिनमें डैमेज डबल प्लस है। तो स्टार्ट करते हैं MP40 से, अब देखते हैं 20 डैमेज कितना आता है। तो इसका आ रहा है गाइस 26 का, अगर आपको याद हो तो विदाउट गन स्किन MP40 का 23 का डैमेज था, बट इसका डैमेज यहाँ पर आ रहा है 26 का। अब UMP का देखते हैं, UMP का अगर याद हो तो 25 था बेस डैमेज। चेक करते हैं डबल डैमेज वाली UMP की स्किन का कितना डैमेज आ रहा है। ओ भाई इसका आ रहा है 28, यानी दोनों में 3-3 का डैमेज आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट ये 3 डैमेज पर बुलेट इंक्रीज है। वहीं आप ध्यान दो तो इनमें रेट ऑफ फायर जो है वो नॉर्मल है। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं, जैसे हमने बाकी स्किन्स को चेक करा है, तो इसको हम 2 सेकंड का जो इसका डैमेज है वही काउंट करने वाले हैं। तो मैं फायर करना स्टार्ट करता हूं। सो गाइस MP40 की डबल डैमेज वाली स्किन का जो इफेक्टिव डैमेज है वो इंक्रीज हो गया है, बट वहीं डैमेज पर सेकंड स्लाइटली डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू द स्किन ऑफ डबल रेट ऑफ फायर। सो अब हम UMP का 3 सेकंड्स का डैमेज काउंट करने वाले हैं डबल डैमेज वाली स्किन का। पहले एक मिनट में स्टैट क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, आप अच्छे से देख पाओ ताकि। सो गाइस UMP के केस में क्या हुआ है कि जो डैमेज पर सेकंड है वो भी डिक्रीज हो गया है, और इफेक्टिव डैमेज वो भी डिक्रीज हो गया है। तो इससे सीधी बात निकल के आती है कि UMP गन के लिए रेट ऑफ फायर वाली स्किन ही बेस्ट है एज कंपेयर टू डबल डैमेज स्किन्स। तो अब हम दोनों AR गन्स का चेक कर लेते हैं जिनमें डबल डैमेज है। तो मेरे हाथ में अभी Dragon AK, Dragon AK का डैमेज डबल प्लस है और Draco का सिंगल प्लस था। तो देखते हैं, तो इसका आ रहा है गाइस बेस डैमेज, एक मिनट में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ। तो इसका बेस डैमेज आप देखोगे 43 का आ रहा है, Draco का 40 का था, और विदाउट गन स्किन 38 था नॉर्मल AK का, उसके बाद Draco का 40 और इसका 43, यानी कि नॉर्मल वाली स्किन से इसका डैमेज ऑलमोस्ट ये समझो आपकी 5 डैमेज इंक्रीज है, समझ रहे हो, पर बुलेट 5 डैमेज ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको ड्रैगन AK में। बट इसका रेट ऑफ फायर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा Draco AK का, स्टिल इसका रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस है नॉर्मल स्किन से, तो बहुत ही ज्यादा ज्यादा अच्छी है ड्रैगन AK, ठीक है। अब हम ये सब क्लियर कर दें और इसका 5 सेकंड का डैमेज हम काउंट करने वाले हैं। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ फायर दोनों गन्स का ही सिमिलर आया, दोनों गन स्किन्स का सिमिलर आया 277, बट इफेक्टिव डैमेज ड्रैगन AK का स्लाइटली कम है Draco AK से। सो अब मैं स्टेट्स को क्लियर कर देता हूँ, हम चेक करेंगे डबल डैमेज वाली M4A1 का। पहले बेस डैमेज चेक करते हैं, तो बेस डैमेज गाइस इसका 33 का आ रहा है, क्या बात है, नॉर्मल स्किन का 29 का था, इसका 33 का, यानी पर बुलेट 4 का डैमेज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट अब ये देखते हैं कि 5 सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर पाती है ये गन और कितना डैमेज कर पाती है। तो हम यहाँ से स्टैट्स क्लियर कर लेते हैं और अब मैं कंटिन्यूस शॉट देने वाला हूँ 5 सेकंड तक।
सो गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिले, जिसमें कि डैमेज पर सेकंड रेट ऑफ फायर वाली स्किन का और डबल डैमेज वाली स्किन का सेम है, बट इफेक्टिव डैमेज स्लाइटली कम है डबल डैमेज वाली स्किन का डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन से। तो गाइस अब बात करते हैं समरी की, जो कि बेस्ड है इन्हीं सब टेस्ट पे, और ये सब टेस्ट मैंने खुद किए हैं। सो ह्यूमन मेजरमेंट्स में एरर हो जाते हैं क्योंकि ये मशीनिक मेजर नहीं है, बट जो एरर साइज़ है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने जो जितनी भी टाइमिंग्स हैं उनको बहुत ही परफेक्टली सिंक किया है, तो इसमें एरर साइज़ बहुत कम है। तो इन्हीं टेस्ट के आधार पर ये जो समरी निकल के आई है, इसके अकॉर्डिंग जो MP40 है उसके लिए मैं बात करता हूँ कि कौन सा एट्रीब्यूट ज़्यादा बेटर रहेगा, तो रेट ऑफ फायर का भी ऑलमोस्ट सेम ही आया है एज़ कम्पेयर टू डबल डैमेज, बट डबल डैमेज की अगर आप स्किन लगाते हो तो आपको इफेक्टिव डैमेज ज़्यादा मिलेगा, वहीं उसका डैमेज पर सेकंड कम मिलेगा। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आप MP40 की कोई ऐसी स्किन लगाओ जिसका डबल डैमेज हो, क्योंकि रेट ऑफ फायर जो डैमेज पर सेकंड निकल के आता है दोनों गन्स का, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें बस 10 डैमेज का अंतर है, बट वहीं अगर आप इफेक्टिव डैमेज देखोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो अगर आपके पास MP40 की कोई डबल डैमेज वाली स्किन है तो आप उसको लगाओ, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू डबल रेट ऑफ फायर। बट अगर आपके पास एक ऐसी स्किन है जिसमें डबल डैमेज हो, सिंगल रेट ऑफ फायर हो, लाइक कोबरा MP40, तो आपके पास गॉड स्किन है, आपको कुछ बिना सोचे समझे सिर्फ कोबरा MP40 को यूज़ करना है। बात करें अगर UMP की, तो UMP में क्लियरली हम रिजल्ट से देख सकते हैं कि डबल रेट ऑफ फायर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डबल डैमेज वाली स्किन में हमें डैमेज पर सेकंड भी कम देखने को मिल रहा है और इफेक्टिव डैमेज भी कम देखने को मिल रहा है। बात करें अगर AK की, तो AK में रिजल्ट से आप देख सकते हो कि डैमेज पर सेकंड रेट ऑफ फायर में और डबल डैमेज में बिल्कुल सेम आ रहा है, बट इफेक्टिव डैमेज जो है वो रेट ऑफ फायर वाली स्किन का ज़्यादा है, तो यानी कि ड्रैको AK स्लाइटली बेटर है ड्रैगन AK से। और प्लस हमें ड्रैको AK में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमेशंस के, और उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है कि वो ग्लू वॉल को ज़्यादा डैमेज देती है, तो यहाँ से क्लियरली ड्रैको AK विनर है ड्रैगन AK से। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं M4A1 की स्किन्स में, तो M4A1 में भी अगर आप देखोगे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डैमेज पर सेकंड दोनों गन्स में सेम है, दोनों एट्रीब्यूट में सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ फायर वाली स्किन M4A1 के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें स्लाइटली इफेक्टिव डैमेज इंक्रीज मिलता है। तो अगर आपके पास डबल डैमेज वाली स्किन है और डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन है, तो इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है, सो ये मेरा कंक्लूजन था इस सब के ऊपर, आपके विचार अलग हो सकते हैं, किसी को डबल डैमेज अच्छा लग सकता है तो वो सब आपकी राय है, बट मेरा काम था यहाँ पे आपको एक फेयर कंपैरिजन दिखाना डबल डैमेज और डबल रेट ऑफ फायर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइज आप देख सकते हो इस वीडियो को बनाने में कितने ज़्यादा एफर्ट लगे हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च करनी पड़ी है तब जाके ये वीडियो बनाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, और इसी तरह के फ्री फायर रिलेटेड अच्छे वीडियोस देखने के लिए, नाइस टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।